हेलो इंजीनियर्स, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वांटिटी सर्वे एंड रेट एनालिसिस में वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी कि जो हमारा सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट होता है उसको प्रॉपरली मिक्स करने के लिए हमको वाटर ऐड करना पड़ता है। जो वाटर हम ऐड करेंगे हमारे कंक्रीट के अंदर, उसी के ऊपर मोस्टली क्या होती है, हमारी स्ट्रेंथ डिपेंड होती है हमारे कंक्रीट की, यानी कि जो वाटर सीमेंट रेशियो होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारी स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो हमको क्या करना पड़ता है, प्रॉपर प्रोपोर्शन में वाटर को ऐड करना पड़ता है हमारे कंक्रीट में, ताकि हमारी जो वाटर होगी हमारी कंक्रीट में वो ज़्यादा भी ना हो और ना ही कम हो, यानी कि प्रॉपर एडिक्वेट वॉल्यूम ऑफ वाटर हमको ऐड करना पड़ेगा हमारे कंक्रीट में एज पर IS कोड 10262। तो उसको कैलकुलेट करना हम सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट के लिए यहाँ पे वाटर सीमेंट रेशियो मेंशन है, जो कि हम लेते हैं हमारे कंक्रीट मिक्स रेशियो में। तो यहाँ पे देखिए M75 के लिए हमको वाटर सीमेंट रेशियो कितना लेना है, 0.4 लेना है। M10 के लिए 0.45 लेना है। M15 के लिए 0.5 लेना है। M20 के लिए 0.55 लेना है और M25 के लिए 0.6 लेना है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे जैसे हमारा कंक्रीट का ग्रेड बढ़ रहा है, यानी कि जैसे जैसे हमारा कंक्रीट रेचर मिक्स बनता जा रहा है, वैसे वैसे हमारा वाटर सीमेंट रेशियो भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस वाटर सीमेंट रेशियो को आपको अप टू 1 लिमिट तक ही बढ़ाना है, क्योंकि अगर वाटर कंटेंट को बढ़ा देंगे, यानी कि वाटर सीमेंट रेशियो को बढ़ा देंगे, तो आपके कॉन्क्रीट में ब्लीडिंग होने के चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे बात करें हमारे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की, तो आपको जो वाटर की वॉल्यूम है वो आपको एकदम एडिक्वेट प्रॉपर क्वांटिटी में लगाना है हमारे कंक्रीट के अंदर, तभी अच्छी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिल पाएगी। अगर आप ज़्यादा वाटर कंटेंट यूज़ कर लेते हैं तो आज की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ेगी नहीं, उल्टा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वाटर सीमेंट रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसीलिए वाटर सीमेंट रेशियो को हम बैलेंस करने के लिए बहुत सारे एडमिक्सचर का यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे एक्सेलरेटर्स हो गए, रिटार्डर्स हो गए, प्लास्टिसाइजर्स हो गए, सुपर प्लास्टिसाइजर हो गए। तो हमारे प्लास्टिसाइजर और सुपर प्लास्टिसाइजर का यही काम है कि हमारे वाटर कंटेंट को क्या करे, कम करे हमारे कॉन्क्रीट के अंदर, ताकि जो वॉइड्स होंगे हमारे कॉन्क्रीट के अंदर उसको जाके फिल कर देता है हमारा प्लास्टिसाइजर। और जितना वाटर सीमेंट रेशियो हम कम यूज़ करेंगे उतना अच्छा होता है हमारे कंक्रीट के स्ट्रेंथ के लिए। अगर आप कम यूज़ करते हैं पानी तो भी दिक्कत है, और अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं पानी तो भी दिक्कत है। अगर आप कम पानी यूज़ करते हैं तो हो सकता है कि आपका सीमेंट, सैंड क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए, यानी कि सेग्रीगेट हो जाए। अगर आप ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो आपका कंक्रीट क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगा, यानी कि पानी ऊपर तैरने लगेगा आपके कंक्रीट के ऊपर, तो उससे भी प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं डेवलप होगा आपके कंक्रीट का। इसलिए आपको एकदम एडिक्वेट प्रोपोर्शन में क्वांटिटी ऑफ वाटर को कैलकुलेट करना है। तो आप समझते हैं आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक डिज़ाइन मिक्स दिया हुआ है, जो कि आपके IS 10262 से ही लिया गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ केमिकल एडमिक्सचर, वॉल्यूम ऑफ ऑल इन एग्रीगेट्स, ये सारी चीज़ों का क्या होता है, टेस्ट होने के बाद इसका मिक्स डिज़ाइन होता है। तो वहाँ से हमको पता चल जाता है कि कितना हमको वाटर सीमेंट रेशियो यूज़ करना है। साथ ही साथ जो हमारा सीमेंट, फाइन एग्रीगेट्स और कोर्स एग्रीगेट का जो रेशियो होगा वो भी हमको हमारे मिक्स डिज़ाइन से पता चल जाता है। तो यहाँ पे जो रेशियो आई हमारी सीमेंट इज टू फाइन एग्रीगेट्स इज टू कोर्स एग्रीगेट की, वो कितना है, 1:1.84:3.40। तो अगर हम 1 m³ वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट को कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे जो वाटर सीमेंट रेशियो आई थी, देखिए यहाँ पे जो वाटर सीमेंट रेशियो आई थी वो कितनी आई थी, 0.5 आई थी। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया वाटर सीमेंट रेशियो 0.5। और जो हमारी मिक्स डिज़ाइन रेशियो आई थी वो कितनी आई थी, 1:1.84:3.4। अब हम कैलकुलेट करते हैं हमारे वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना रिक्वायर्ड होगा हमारे इस कंक्रीट के अंदर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर का फॉर्मूला है वाटर सीमेंट रेशियो इनटू नंबर ऑफ बैग्स इनटू वेट ऑफ 1 bag सीमेंट। तो यहाँ पे वेट ऑफ 1 bag ऑफ सीमेंट कितना होता है, 50 kg। तो यहाँ पे वाटर सीमेंट रेशियो हमको ऑलरेडी कैलकुलेट करके मिलेगा हमारे मिक्स डिज़ाइन में, हमको सिर्फ ये वैल्यूज को इनपुट करना है।
यहाँ पे वाटर सीमेंट रेशियो क्या लेंगे हम, 0.5 लेंगे, और यहाँ पे नंबर ऑफ बैग्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में ऑलरेडी सीख के रखा है नंबर ऑफ बैग्स को कैलकुलेट करना, सेम फॉर्मूला से हम नंबर ऑफ बैग्स को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम इनपुट करेंगे डेटा, तो यहाँ पे 0.5 वाटर सीमेंट रेशियो इंटू नंबर ऑफ बैग्स, तो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट क्या है, 1, तो यहाँ पे लिख दिया 1, तो ये 1 क्या है, हमारा वेट वॉल्यूम है, तो इसको ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए हमको ड्राई कोफिशियंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 1.54 से, फिर इनटू हमारा जो सीमेंट का रेशियो, क्योंकि हम यहाँ पे सीमेंट की नंबर ऑफ बैग्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे सीमेंट का रेशियो डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो, यानी कि 1 + 1.84 + 3.4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, इन सबको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे मीटर क्यूब में, लेकिन हमको क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ बैग्स फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे इंटू या हमारा ये यूनिट वेट ऑफ सीमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, वो कितना है 1440 डिवाइड बाय वेट ऑफ वन सीमेंट बैग, वो कितना है हमारा 50, तो ये जो पूरा ब्रैकेट में टर्म दिख रहा है इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ बैग्स आ जाएगा जो कि हमारा 1 m³ वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट में लगने वाला है, फिर इंटू वेट ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट जो कि है 50, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाएगा। तो देखिए ये ब्रैकेट टर्म को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ बैग्स 8, फिर इन सब मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 200 liters ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर कैलकुलेट हो जाएगा हमारे 1 m³ वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट के लिए, यानी कि इस मिक्स डिजाइन के लिए हमको कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज़ करना पड़ेगा हमारे कॉन्क्रीट को प्रिपेयर करने के लिए, वो है 200 liters। तो इस वीडियो में हमने सीखा वॉल्यूम ऑफ वाटर को कैलकुलेट करना हमारे कॉन्क्रीट के अंदर। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।